मैंने फैसला किया है कि अगले दो दिनों में होने वाले जिरगे में इंतखाब किया जाएगा नए सरदार का। सुलेमान तो जाल में फंस चुका है, अब हमें ये बाजी हर कीमत पर जीतना होगी। तो ठीक है फिर, अपने कबीले और उसके अमन सुकून के लिए मैं सरदारी के लिए तैयार हूं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? एक आज नए व्लॉग के साथ मैं हूं साबिर हुसैन, और मेरे साथ में आज जो है शफीक भाई साथ में हैं, परदेसी सैयद वाले। और हम जो है आज जा रहे हैं लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कुछ शॉपिंग करने। ये हम सऊदी अरब में हैं, देख रहे हैं तो वो आपको दिखाते हैं। शफीक भाई अभी वॉशरूम गए हैं, ये देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं। मेरे साथ में एक और दोस्त भी हैं इंडिया से, वो देखिए उधर खड़े हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, हम लोग थोड़ा घूमने जा रहे हैं, लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो सोचा चलो थोड़ा सा घूम के आएँ। ये देखिए, हाँ ये मसूद आलम है, और अभी आप देख रहे होंगे कि मास्क भी लगाए हैं, क्योंकि मास्क लगाने से यहाँ पे जो है जुर्माना नहीं लगेगा। मास्क नहीं लगाया तो 1000 रियाल का जुर्माना है, और बहुत सख्ती है सऊदी अरब में, इसलिए कानून को फॉलो करना ज़रूरी है। और वैसे भी कोरोना वायरस की एहतियात बहुत ज़रूरी है हर बंदे के लिए।